हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अखिलेश त्रिपाठी एंड वेलकम टू योर फेवरेट ज्यूडिशरी चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई दूंगा योग दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि 21 जून की। आप सारे भारतीयों को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, सारे स्टूडेंट्स को बधाई दूंगा इसकी। और साथ ही ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के बाद यानी कि 2 अक्टूबर के बाद ऐसा एक दिवस है जो विश्व को भारत की देन है, भारत ने पूरे विश्व को दिया है और पूरे विश्व में ये अपनाया जा रहा है और मनाया जा रहा है। तो इस वजह से इसका इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो हम आज चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग डे यानी कि इंटरनेशनल योगा डेज के बारे में, कि इसका क्या प्रावधान है, कब से शुरू किया गया, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो सारी चीजें जो परीक्षा की दृष्टि से या फिर एक भारतीय जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखा जाए तो इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है आपका 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसकी अगर देखा जाए कि घोषणा कब की गई थी, तो सर्वप्रथम 27 सितंबर 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यूनाइटेड नेशन की जो महासभा है यानी कि यूएनजीए, जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन में इसका आह्वान किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए। और उसी वर्ष 11 दिसंबर 2014 को 193 सदस्यों की सर्वसहमति के द्वारा इसको स्वीकृत किया गया और मान्यता दी गई, इसकी घोषणा की गई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। तो अगर आपसे कभी भी ये प्रश्न पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा कब की गई थी, तो इसकी तारीख है 11 दिसंबर 2014 को और इसमें 193 मेंबरों ने यूएनजीए की मीटिंग में भाग लिया था। फिर अगला आता है कि पहली बार कब मनाया गया था, तो ऑफकोर्स आपका दिसंबर में जब घोषणा की गई है तो उसके बाद जो नेक्स्ट जून आएगा उसी में मनाया जाएगा। पहली बार आपका योगा दिवस मनाया गया था 21 जून 2015 को। अब अगर हम बात करते हैं इस वर्ष की यानी कि 2023 की, तो 2023 में हम लोग मिलकर 9वां योग दिवस मना रहे हैं। अब की बार ये 9वां है और इसकी थीम है वसुधैव कुटुम्बकम के लिए योग, योगा फॉर वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधैव कुटुम्बकम हमारा वैदिक एक उक्ति है जिसका मतलब होता है, वसुधा का मतलब होता है हमारी संपूर्ण पृथ्वी और कुटुम्ब का मतलब होता है परिवार। तो इसका तात्पर्य है कि समस्त परिवार जो है, समस्त विश्व जो है, समस्त पूरी धरती हमारा एक परिवार है, हम एक परिवार की तरह रहते हैं इस विश्व में। तो उसी के अनुसार ये उसका तात्पर्य है कि योगा जो है, हमारा जो पूरी धरती एक परिवार के रूप में है, उनके कल्याण के लिए, उनके शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए योगा किया जाए, ये थीम है आपकी 2023 की। पिछले वर्ष की अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष भाई एक बहुत ही क्रूशियल टाइम था, हम कोरोना जैसी महामारी से उभरे थे, कोरोना महामारी ने हमारी इम्यूनिटी को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। तो 2022 में ये थीम मनाई गई थी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योगा। तो ये हो गई बात थीम की। अब अगर बात किया जाए कि इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो भारत में योगा दिवस का जो आयोजन होता है या ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष करता है इसका आयोजन। और 2023 में दिल्ली में 26 जगहों पे योगा संचालित किया जा रहा है आयुष मंत्रालय के द्वारा। अब हम बात करते हैं आगे कि योगा का क्या महत्व है और इसकी उत्पत्ति क्या है। तो योगा देखिए हमें सबसे बड़ी चीज की फिट रखता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो ये एक तरह से शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए हमारे लिए मददगार होता है योग। तो इसका हमारे जीवन में ये महत्व है, शारीरिक और मानसिक कल्याण करना। इसकी उत्पत्ति देखा जाए तो जो भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही योगा का उल्लेख मिलता है और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो एक संस्कृत शब्द है युज। युज शब्द से योगा की उत्पत्ति हुई है। इसका जन्मदाता भारत है और इसके जनक महर्षि पतंजलि जी हैं, जिन्होंने एक योग का सिद्धांत दिया था, अष्टांग योग। महर्षि पतंजलि जी के द्वारा अष्टांग योग सिद्धांत दिया गया था
अष्टांग योगा और जो आधुनिक योगा हम लोग करते हैं, जैसे आधुनिक योगा का तात्पर्य क्या हो गया है, ये जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ये सारी चीजें शारीरिक योगा, उसके जनक जो है वो तिरुमलाई कृष्णाचार्य जी हैं, आधुनिक योग के जनक। हालांकि इसे व्यापक स्तर पे जो पॉपुलर बनाने का काम किया है वो आपके ये पतंजलि संस्थान जो है उसके जो योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज हैं उनके द्वारा भी किया गया है। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये कंफ्यूजिंग फैक्ट है, वहां पे रामदेव जी भी रहेंगे और तिरुमलाई कृष्णाचार्य भी रहेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक योग के जनक कौन है तो ये आपके तिरुमलाई कृष्णाचार्य जी होंगे। और अब की बार का योगा हमारे लिए एक और बात है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्पेशल है, वो इसलिए है कि पहली बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो योगा किया जा रहा है, योगा का आयोजन किया जा रहा है यूएनजीए के द्वारा, वहां पे नेतृत्व करने के लिए अमेरिका में गए हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपका योगा डे से रिलेटेड फैक्ट है, इनको आप तैयार कर सकते हैं, इनका भी आपके परीक्षा में आने की प्रबल संभावना रहती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।